बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लेके आए CES 2017। CES मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो, जहाँ पे सारी बड़ी कंपनी अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपको डिस्कस करके बताती है या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो आज हम बताने वाले हैं कि CES में कौन से 5 प्रोडक्ट लॉन्च हुआ हमारी तरफ से। तो पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है वो है आसूस का जेनफोन AR। आसूस ने कहा है कि ये दुनिया का पहला टैंगो इनेबल्ड फोन है और इसमें डे ड्रीम मोड भी इनेबल्ड होके आएगा। तो आप इसमें AR और VR दोनों आप इसमें के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्लस आसूस ने ये भी कहा है कि वर्ल्ड का फर्स्ट 8GB वाला फोन होने वाला है। तो जब ये सेकंड क्वार्टर में इस एयर के मार्केट में आएगा तो हम आपको बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसी थी। दूसरा फोन जो है ब्लैकबेरी का मर्करी। TCL ने अपना पहला ब्लैकबेरी स्मार्टफोन लॉन्च किया है, ब्लैकबेरी, उसका नाम रखा उन्होंने मर्करी। इसकी उन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई है, सिर्फ इसका हमको मॉडल दिखाया है। हमको यह पता लग रहा है कि इसमें एक फिजिकल कीबोर्ड होगा और सारे नोगट बेस्ड फोन्स आएंगे। बाकी इसके बारे में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो 27 फेब को बार्सिलोना में होने वाला है वहां हमको पता लगेगा, तो हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। तीसरा है टोयोटा की फ्यूचर कार। टोयोटा ने फ्यूचर कार बताई जिसका मॉडल बहुत ही अलग है, हमने ऐसी कार कभी नहीं देखी है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी। टोयोटा का कहना है कि ये ड्राइवर के मूड के अकॉर्डिंग लाइट एक्सचेंज करेगी, जो उसको सीट पसंद होगी उस तरह से रिक्लाइन हो जाएगी और ये ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट होने से भी बचाएगी, तो इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर हम टोयोटा के माने तो 2030 तक ये कार मार्केट में आ जानी चाहिए। चौथा है LG का OLED वॉलपेपर टीवी। LG ने अपने LED टीवी की रेंज निकाली W सीरीज में, W का मतलब है वॉलपेपर। इसमें उनका कहना है कि यह टीवी 2.7 mm थिकनेस के साथ आएगा, तो बहुत ही पतला टीवी होगा। इसके अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड मिलेंगे और बाकी सारे आपको माउंटेड मिल जाएंगे टीवी के सरफेस के अंदर बटन्स। तो जब ये इंडियन मार्केट में आएगा तो इसकी प्राइस जरूर 1 लाख से ऊपर होगी, जरूर होगी, पर ये टीवी बहुत अच्छा होगा। पांचवा है, हमने सुना है कि गूगल का असिस्टेंट है ओके गूगल, आईफोन का असिस्टेंट है सीरी, वैसे शाओमी ने अपना खुद का असिस्टेंट निकाल दिया, उसका नाम है कुरी। हाँ, कुरी मतलब ये से उन्होंने बच्चों के लिए निकाला है, आपके बच्चों को स्टोरी सुना के बताएगा और उनको सोशल मीडिया में इंटरेक्ट कराने में हेल्प करेगा। सो ये थे CES 2017 के 5 टॉप गैजेट जो हमको लगा हमको बताना आपको जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो उसके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक यू।